गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम मार्च में अब नहीं होंगे। 16 दिसंबर 2020 की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है गाइस। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का जो भी मैंने डेट आपको एक्सेप्टेड डेट बताया था, टोटल एग्ज़ाम उसी डेट में हो रहा है। एज लाइक मान लीजिए कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो वीटी जो था 2020 का, उसका एग्ज़ाम मैंने दिसंबर में बताया था, दिसंबर में हो रहा है। उस कंडीशंस में आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के बारे में। सो गाइस, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है 2020 में नहीं होने वाले, कितना का नहीं होगा, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले कि 8415 जो वैकेंसी है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसका जो एग्ज़ाम है गाइस मार्च में नहीं होगा। तो मार्च में क्यों नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ बता दें कि 16 दिसंबर 2020 की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको यहाँ दिखाया जा रहा है आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो ऑफिशियल साइड से भी जानकारी लेते हैं, और साथ ही साथ गाइस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू टेल अबाउट गुड इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल कैंडिडेट इन 2020। सो आई एम गोइंग टू टेल। सो गाइस, हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो है आपका ऑफिशियल साइट है। और साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए देखिए जो भी न्यूज़ आता है, इस ऑफिशियल साइट पे आते हैं, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड पे आते हैं, ठीक है, इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ साथ ये आपका होम पेज है गाइस, क्या है, होम पेज है। इस होम पेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ होगा। आप देख सकते हैं कि 16 दिसंबर के बाद अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और 16 दिसंबर में आपको बताना चाहते हैं कि बिहार पुलिस के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो बिहार पुलिस यहाँ देख सकते हैं, और साथ साथ यहाँ पर डेट दिया गया है, डेट देख सकते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट देख कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका आया हुआ है। तो आप गाइस यहाँ देखना चाहते हैं कि 14 दिसंबर या 14 दिसंबर दिया गया, 14 दिसंबर इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग किसके बारे में दिया हुआ गाइस, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रिगार्डिंग एक्सटेंशन इन पीईटी डेट्स ऑफ सच एप्लीकेशन हु आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन पीईटी शेड्यूल डेट आपको दिया गया, किस एडवर्टीजमेंट के बारे में दिया, तो गाइस यहाँ देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट आपका दिया गया 02/2019, यानी 2019 का जो वैकेंसी जो था, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका वैकेंसी के पीईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। चलिए इसको क्लिक करते हैं गाइस और देखते हैं इसका डिटेल और पीडीएफ के साथ। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे ऑफिशियल साइट पर जो भी नए लोग हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ देखिए डाउनलोड हो गया गाइस, आप फिर से हम करके दिखा देते हैं, डाउनलोड करके देखिए। सबसे पहले गाइस बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि महत्वपूर्ण सूचना, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन सड़तल ब्लॉक आपको दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या आपको 02/2019 के बारे में बताया गया है। विषय केंद्रीय चयन परिषद विज्ञापन संख्या 02/2019 के अंतर्गत बिहार पुलिस संगठन के सिपाही के पद पर नियुक्ति होते शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की तिथि परिवर्तन के संबंध में करें। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 02/2019 के नामांकित स्टूडेंट के लिए बताया गया है, ठीक है। अब इस पर हम बात करते हैं कि अभ्यर्थी नई तिथि निर्धारित करेंगे, तो कौन सी नई तिथि हमारे लिए होंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस 2 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 कब से, तो आप देख सकते हैं टाइम दिया गया है 2:30 बजे से रिपोर्ट करेंगे। और परीक्षा सत्र आप बता दें कहाँ होगा, तो यहाँ पर दिया गया है गाइस आपके लिए कौन कौन से होंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों के दिनांक 16 दिसंबर 2020 के लिए परिस्पत नई तिथि जारी भी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, रोल नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है, नई निर्धारित तिथि एवं सामान्य आपको दिखाई देगा, बहुत ही कंपल्सरी गाइस। देखिए एक नंबर कैंडिडेट पर आपको नगेंद्र कुमार यहाँ दिखाई दे रहा है, इनका रोल नंबर दिया गया है, नई निर्धारित तिथि के लिए समय का भी यहाँ पर रिगार्डिंग किया गया। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट के इसमें नाम है वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, पीटी के लिए चयनित हुए हैं और उनको जाना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। एक छोटा सा फनी वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया, और बहुत ही जल्द मैं लाइव क्लास भी अटेंड करना शुरू कर दूँगा। सो गाइस, इस कंडीशन में वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।